हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अंडा करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अंडा करी तो आपने बहुत बार खाया होगा, बनाया भी होगा, लेकिन आज की ये अंडा करी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं इसको बिल्कुल नए तरीके से आपके सामने पेश करूँगी। यकीन मानिए, रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अंडा करी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अंडा करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 8 अंडे लिए हैं और सारे अंडों को तोड़कर मैंने इस बॉल में डाल दिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 छोटी चम्मच लगभग में काली मिर्ची का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा चाट मसाला आधा छोटी चम्मच के लगभग में। और इसके बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अंडे को। और ये देखिए, मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और अब हम इसको मोल्ड में डालकर स्टीम करेंगे। तो अंडे को स्टीम करने के लिए मैं यहाँ पर केक टिन को ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी बर्तन में इसको स्टीम कर सकते हैं, कोई बड़ा सा बर्तन इस तरह का आपके घर में पड़ा हो। और इसमें हम सारे अंडे को डाल देंगे और इसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे। तो इसको स्टीम करने के लिए मैंने पहले से ही पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है। इसमें हम एक स्टैंड डाल देंगे और सावधानी से केक टिन डाल देंगे अंडे वाला। और इसके बाद हम इसको ढक कर 10 से 15 मिनट तक स्टीम करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो करीब 15 मिनट हो गए हैं और अब हम चेक कर लेते हैं अंडे हमारे स्टीम हुए या नहीं। तो आप देख सकते हैं अंडे में उबाल आ गया है। इसमें हम एक चाकू डालकर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं चाकू बिल्कुल क्लीन निकला। तो इसका मतलब अंडे अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो इसको हम सावधानी से बाहर निकाल लेंगे और इसको हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब तक ठंडा हो रहा है इतने में हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 मीडियम साइज के टमाटर, 1 बड़े साइज का प्याज और 2-3 हरी मिर्च। आप चाहे तो लहसुन और अदरक को भी इसमें ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं पेस्ट इस्तेमाल करने वाली हूँ इसलिए मैंने इसमें ग्राइंड नहीं किया है। और ये देखिए, मैंने प्यूरी बना ली है प्याज टमाटर का, इसको साइड में रख देते हैं। और इस बॉल में मैंने लिया 1/2 कप के लगभग में दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं लेना है, मीठी दही का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, या फिर लाल मिर्ची की क्वान्टिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्ची का पाउडर। और हम सभी मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, और ये हमारे दही वाले मसाले तैयार है। तो भी हम इसको साइड में रख देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। हमारे स्टीम किए हुए जो अंडे थे वो पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इसको मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। तो एक बार चारों तरफ से चाकू लगा लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर प्लेट रखकर इसको उल्टा कर देंगे। 2-3 बार इस तरह स्टेप टप कर देंगे तो ईजिली निकल जाएगा। और ये देखिए, निकल गया है। अब हम इसको पनीर की तरह कट कर लेंगे। जैसे हम पनीर को कट करते हैं तो आप चाहे तो अपने मनपसंद के पीसेस में कट कर सकते हो, छोटा बड़ा जैसा भी चाहे। तो मैं बिल्कुल पनीर का शेप दे रही हूँ इसको, ये देखिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे जैसे हम पनीर को फ्राई करते हैं। तो इसको फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम सारे अंडे को डाल देंगे और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसका कलर चेंज होने तक, जैसे हम पनीर को फ्राई करते हैं। बीच बीच में इस तरह से उलट पुलट करते रहें। और इसको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि अंडे के ऊपर एक अच्छा सा लेयर ना बन जाए। तो मैंने इसको करीब 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, इसके ऊपर एक लेयर सा बन गया है। और अब इसको बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। और कढ़ाई में जो तेल बच गया है उसी में हम 2 से 3 चम्मच लगभग में तेल और डाल देंगे। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में मैंने लिया है 3-4 लौंग, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2-3 तेज़पत्ते और 2 छोटे टुकड़े लिए मैंने दालचीनी के। सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक जीरे का कलर चेंज ना हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज का प्याज स्लाइस में कटा हुआ। और प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए, हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2-3 चुटकी के लगभग में हल्दी का पाउडर और 2-3 चुटकी के लगभग में लाल मिर्ची का पाउडर। तेल में मसाले मैं इसलिए डाल रही हूँ सिर्फ ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमने मसाले पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। इसको 2-3 बार चलाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 चम्मच के लगभग में अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हमें 1 मिनट तक पकाना है। इस तरह से लगातार चलाते हुए फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही वाले मसाले जो हमने पहले से तैयार करके रखा है। तो सारे मसालों को इसमें ऐड कर देंगे और इसे हमें 4 से 5 मिनट तक पकाना है। 4 से 5 मिनट में मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, उसका तेल बिल्कुल रिलीज हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और जितना ज़्यादा हम मसालों को फ्राई करेंगे हमारी अंडा करी उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको 3 से 4 मिनट फ्राई किया है। मसालों का कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर प्याज का प्यूरी जो हमने पहले से ब्लेंड करके रखा है। और अब हमें इसको तब तक पकाना है जब तक ये सारे मसालों अच्छे से फ्राई ना हो जाए, इसका कलर ना चेंज हो जाए और टमाटर का सारा पानी सूख ना जाए। इसे हमें 8 से 10 मिनट तक पकाना है।
करीब 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं मसालों का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। जितने अच्छे से मसालों की बनाई होती है उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट अंडा करी बनकर तैयार होती है। तो मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, टमाटर का सारा पानी सूख चुका है और तेल भी इसमें से रिलीज हो गया है। तो मसाले हमारे तैयार है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग पानी डालें। मैंने यहाँ पर 200 ml लगभग पानी का इस्तेमाल किया है और अब हम इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। तो अब देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है और हमारी ये अंडा करी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमने सूखे गरम मसाला का भी इस्तेमाल किया है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें अंडा डाल देंगे और अब मैं 1 चम्मच लगभग इसमें कसूरी मेथी डाल दी, उससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से और इसके हमें 4 से 5 मिनट तक और पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो करीब 4 से 5 मिनट हो गए हैं और अंडा करी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अंडा करी से। तो अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसको हम गर्म गर्म सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट अंडा करी बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। इसके बाद मुझे कमेंट में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।